ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कंप्लीट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एंथनी ने कभी इसका स्ट्रक्चर का फाइनल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और दुनिया को इतने साल लग गए, करीबन 100 साल लग जाएंगे 2026 में इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में, क्योंकि उसने पता नहीं कौन सा मैथमेटिक्स, कौन से जियोग्राफिकल डिज़ाइन मैच करके इस बिल्डिंग को बनाया था। Yeah, I speak English and I want someone to speak English with me. फोटो शूट चल रही है। होला बार्सिलोना। रेड फ्लैग पकड़ा होता है और वो बुल उसके पीछे भागता है। ये वो स्टेडियम है। स्पेन की पुलिस है। और I stay in Barcelona little bit है। खजूर के पौधे हैं, पीछे भी है और आगे भी है। Assalamualaikum and welcome back to another vlog. इस वक्त हूँ मैं फ्रांस के शहर पेरिस में और यहाँ से जा रहा हूँ मैं स्पेन बार्सिलोना। आपको भी दिखाएंगे बार्सिलोना, तो आइए और इन्जॉय करिए सफ़र फ्रॉम पेरिस फ्रांस टू बार्सिलोना स्पेन। जूस साथ में। फ्रांस की एक आखिरी ठंडी सुबह, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे फ्रांस। ये लोग भी साथ मेरे जा रहे हैं। मर्सी, थैंक यू। अपना टर्मिनल फाइंड आउट करना थोड़ा सा हेडेक होता है, लेकिन क्योंकि पिछले कोई एक दो हफ्ते में मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है कि अब आदत हो गई है, तो टर्मिनल 1 पे मैं आ गया हूँ। बस चेक इन करना है अभी। स्पेनिश और फ्रेंच एयरलाइन। पेरिस की पुरानी पेंटिंग्स। अभी मैं बाकी हूँ, सब चले गए हैं। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे? ये जहाज है। दैट्स द सिटी ऑफ स्पेन। आपको क्रूज और समंदर नजर आ रहा है। फ्रांस से जो कैप ली है अभी पहननी पड़ेगी, गर्मी बहुत है। जैकेट तो निकाल ली है, उसको भी बैग में डालता हूँ। वेलकम टू बार्सिलोना स्पेन। होला बार्सिलोना। ज़बरदस्त। मेरे पास पहले भी था तो मैंने फ्रांस के एयरपोर्ट पे देखा, ड्यूटी फ्री में 89 यूरोस का मिला मुझे। कलर ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, लेकिन असल में ये डार्क ब्लू है, इसीलिए इसको ब्लू शनाल शायद कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा खुला एयरपोर्ट है। बार्सिलोना की एक टी शर्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ से। एक गुची फ्लोरा ख़रीदा है, ये परफ्यूम तो लेवल है। ये लिया है, चार्ज करके फिर निकलता हूँ एयरपोर्ट से। ये सारा ड्यूटी फ्री है तो आप पे करते हो वहाँ पर, और एंड में आके यहाँ पे वो रिसीप्ट दिखाते हो और साथ में पासपोर्ट दिखाते हो, उस पर जो टैक्स होता है वो आपको वापस मिल जाता है। आई विश ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होते। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले घूमेंगे। ये बसेस हैं, क्रेडिट कार्ड। टिकट मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। 28 टेम्परेचर है अभी, गर्मी बहुत है यार। पेरिस से मैंने कैब ली थी, वो वहीं पे एयरपोर्ट पे जब मैं चार्ज कर रहा था फ़ोन, टेबल पे रखी थी और आते हुए मैं भूल गया। वो कौन सी नई बात है, मैं बहुत चीज़ें भूलता हूँ। बहुत रश है इधर, इतना बड़ा लाइन, और यहाँ से लोग एक एक करके टैक्सी में चढ़ रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हो जो बिल्डिंग है, यहाँ से आप गाड़ी रेंट कर सकते हो।
मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं गाड़ी रेंट करूं, क्योंकि यार बहुत मुश्किल है बिना गाड़ी के यूरोप में घूमना। लेकिन मसला यह है, यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट साइड पे है, मुझे अभी तक रोड का कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। तो इट्स वेरी हार्ड टू यू नो ड्राइव ऑन अ रोड। वो पीछे एक जहाज उड़ रहा है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू ड्राइव ओवर हियर, बिकॉज मैंने कभी भी लेफ्ट साइड के स्टेयरिंग व्हील वाली गाड़ी नहीं चलाई। कुछ मिनट पहले जब मैं यहाँ से गुजरा, बहुत रश था, आपको याद होगा। या टैक्सी, बिस्मिल्लाह। कैन यू टर्न ऑन द एसी, एसी एयर कंडीशन, टू हॉट, आई एम कमिंग फ्रॉम पेरिस, टू कोल्ड देयर। इनका कोई मीटर है और ये एसी लगा दो भाई, पड़ गई है लिटरली। No English. Little bit. Okay, I'll open my translator then. इधर करो यार ये। ये गाड़ी चलती है तो इसका मीटर स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स जितना आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल के हिसाब से ये अमाउंट बढ़ता जाता है। His name is Waldo. How to say hello and regards in Spanish? Hola. Hola, hello. Hola and? Hola. Hola. Hola, hola. And how would I say, if you say hola, how will I say? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tell me something about Barcelona, especially the church I'm going to visit. Bueno, ahora vamos por Gran Vía después de venir del aeropuerto. Es una avenida principal que tiene Barcelona. Vamos dirección a la Sagrada Familia, que es un lugar bastante visitado. La Sagrada Familia, bueno, como es un fin de semana, recibe muchas visitas y por ese sector se destaca el turismo que hay en Barcelona. I went to Switzerland and that's the word that I learned over there. They said merci and that means thank you. And that's the same in Paris as well. Gracias. Gracias, yeah. You say gracias in Spanish. Muchísimas gracias a toda la gente que ve este canal. Okay. Y bueno, un agradecimiento especial aquí a mi. Okay. Open YouTube. Kaleem Khan. That's me. It's all in English, but I'll put your video in Spanish. Is this mosque? This is bulls. Bulls? Okay. Red flag. No, pero now it's closed. Now closed. No. Why? Prohibido toros. Do you speak English? Yeah, I speak English. And I want someone to speak English with me. Aida, bus. Bus stop. Bus. For, Aida. Yeah, the Gruppe is weg. I don't know. मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं। मैंने टैक्सी वाले को बोल दिया, मैंने कहा यार इसको समझा दो। वो कोई पूछ रहे थे किसी रास्ते का, बोला इंग्लिश आती है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कोई मुझसे इंग्लिश बोले। यहाँ तो ट्रांसलेशन ही कर करके आईफोन की भी मैंने बजा दी है। पिज़्ज़ा देखता हूँ अगर हलाल है तो। बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाना है। मैंने थोड़ा मुँह हाथ धो लिया है, बहुत गर्मी है बाहर। आज स्पेन का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। और ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, थोड़ा मोटा है लेकिन टेस्ट में कैसा है पता नहीं। ग्रेशियस, थैंक यू। लुक स्पाइसी दो। पहुँच गया हूँ मैं होटल और चेक इन कर लिया है, सामान रखता हूँ। आओ अंदर भाई। तो दैट्स द रूम और दैट्स ये वॉशरूम है, शॉवर एरिया। आपको दिखाने लेके जाना है मैंने सगर्दा फैमिलिया, तो आइए
चलते हैं स्पेन एक्सप्लोर करने। अच्छा ये लिफ्ट भी इतना स्मार्ट है, मेरे रूम का कार्ड है, जब तक ये टैप नहीं करूँगा किसी फ्लोर में नहीं जाएगा। तो टैप नाउ सेकंड, अभी जा रहे हैं। देखो ऐसा लिफ्ट मैंने आज तक किसी कंट्री में नहीं देखा, वेरी स्मार्ट लिफ्ट। और यहाँ पे स्पेन की गलियों में आप खजूर के पौधे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मकदार में खजूर के पौधे हैं, पीछे भी है और आगे भी है। मुझे मेरे डैड ने बताया था कि यहाँ पे खजूर के बागात और खजूर के पौधे बहुत होंगे, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत टाइम स्पेन पे हुकूमत की थी और शायद ये उन्होंने लगाए हो या व्हाटएवर, इसकी तारीख मैं डैड से ज़रूर पूछूंगा। एक स्टेडियम है यहीं पे, पुलिस की गाड़ी भी सिक्योरिटी के लिए खड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, अपने वीडियोस में देखा होगा स्पेन में बार्सिलोना में बुल भागता है, एक बंदे ने हाथ में रेड फ्लैग पकड़ा होता है और वो बुल उसके पीछे भागता है। ये वो स्टेडियम है और यहाँ पे वो होता है। लेकिन लोकल्स से मैंने यहाँ पूछा, उन्होंने बोला कि अब इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, आप सिर्फ वो म्यूज़ियम देख सकते हो, वो वाला जो गेम है या व्हाटएवर वो अभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बैन है बार्सिलोना में, वो सिर्फ मैड्रिड में होता है। कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कंसर्न किए थे कि यार इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है फिज़िकली, और बुल को भी काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली नुकसान होता है, हर्ट होता है, तो इस वजह से बार्सिलोना में बैन है। मैड्रिड अगर मैं जाऊँगा तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। फ़ोटो शूट चल रही है। आपको चर्च पीछे नज़र आ रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1882 में, एक आर्किटेक्चर था स्पेन का, उसका नाम था एंथनी गाउदी। इसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और स्पेन की गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ईयर 2026 में कंप्लीट होगी। एंथनी गाउदी की 100 डेथ एनिवर्सरी यानी उसकी सवी बरसी होगी। उसने जो नक्शा बनाया था वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि जब उसकी डेथ हुई तो उसने जो इसका आखिरी पार्ट है ये वाला, ये उसने डिज़ाइन ही नहीं किया, कोई इसको कंप्लीट नहीं कर पाया आज तक। उसके जो इंटर्नी थे, उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, उनमें से ही एक न्यूजीलैंड का उसका इंटर्नी था जिसका नाम है मार्क बरी। उसने 1979 में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस से इसका सलूशन निकाला और उसने ये क्लेम किया कि ये एंथनी के जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है उसके करीब करीब है और इस पे काम जारी है, अभी तक बना नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसने कितने कम्प्लेक्स तरीके से ये डिज़ाइन किया था, आर्टिस्ट था और उसने सही आर्ट का शाकार बनाया हुआ है। ये सिंपल मटेरियल से बिल्कुल नहीं बना, सिंपल जिस मटेरियल से बिल्डिंग बनाते हैं इन्होंने स्पेशल री इन्फोर्स्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ है और उससे इस बिल्डिंग की तामीर अभी ऊपर तक जारी है। ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कंप्लीट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एंथनी ने कभी इसका स्ट्रक्चर का फाइनल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और दुनिया को इतने साल लग गए, करीबन 100 साल लग जाएंगे 2026 में इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में, क्योंकि उसने पता नहीं कौन सा मैथमेटिक्स, कौन से ज्योग्राफिकल डिज़ाइन
मैच करके इस बिल्डिंग को बनाया था। I met Jessica. She's from Colombia. Hello. I stay in Barcelona a little bit, yeah. But I think that is beautiful too. Yeah, you've been to Madrid as well. Have you liked Madrid? Because I'm going to Madrid after. I prefer Madrid. You prefer Madrid? Yes. Okay. And when are you going back to Colombia? I go to Colombia the next. Okay. It was really nice meeting you. Thank you. आज के ब्लॉग में आपने देखा सगर्द्रा फैमिलिया, जिसको देखने के लिए मैं आया ऑल द वे फ्रॉम पेरिस फ्रांस टू बार्सिलोना स्पेन। फिजिकल इनका कोई ऑफिस नहीं है, तो अगर कोई भी स्पेन आ रहा है, ऑनलाइन टिकट 26-27 यूरो का है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ले लो क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा। शायद मैं मैड्रिड चला जाऊँ, शायद मैं ब्रसल चला जाऊँ, शायद मैं टर्की चला जाऊँ, शायद मैं इंग्लैंड चला जाऊं, शायद मैं वीनस चला जाऊं, शायद मैं रोम चला जाऊं, कुछ पता नहीं है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए मुल्क, नए शहर के साथ। टिल देन, अल्लाह पामान।